हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की, जो कि प्यारे बच्चों इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसका एक पार्ट अध्ययन किया है, जो कि जितना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल थे, वो कुछ सवाल हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है। यदि आपने वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप तुरंत देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए उनको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। आज की जो है हमारी क्रम की जो है 8वां नंबर सवाल है, क्या कह रहा है कि जो ये परिपथ बनाया गया एग्जाम में, सबसे पहले बात तो जान लेते हैं 2016 और 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया, फुल 3 मार्क का क्वेश्चन। कितने नंबर का? 3 नंबर का है। अब 3 नंबर में क्या पूछ रहा है कि आपको एक परिपथ दिया गया है जहां पर दिखाया गया है कि ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और ये कोई कुंडली है जिसका स्वप्रेरकत्व आपको दिया गया है या जिसका प्रेरकत्व 0.1 हेनरी दी गई है, और उसके बाद ये कोई प्रतिरोध है जिसका जो ओम जिसका जो प्रतिरोध है वो 40 ओम के बराबर है। अब हम अगर ध्यान में दिमाग में लगाए तो ये हमारा किस टॉपिक पे न्यूमेरिकल है चर्चा करें, तो यहाँ पर एल जुड़ा है, यहाँ पर आर जुड़ा है, तो अर्थात ये एल आर सर्किट पे सवाल है। किस पे है? एल आर सर्किट पे ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। एल आर सर्किट के लिए हम लोगों ने प्रतिबाधा भी ज्ञात किया है, तो प्रतिबाधा का व्यंजक हमको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्रतिबाधा का व्यंजक होता है जो है एल आर सर्किट में, प्रतिबाधा के लिए क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं जेड से व्यक्त करते हैं, जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट में एक्सएल का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यदि प्रतिबाधा निकालने की जरूरत पड़ी तो अब हम आपको यहां पर देख पा रहे होंगे कि वोल्टेज दिया गया है और इसका प्रेरकत्व दिया गया है और इसका जो प्रतिरोध दिया गया, तो सबसे पहले पूछा है परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान, तो हम इसका अधिकतम मान का फॉर्मूला जानते हैं आई इक्वल टू वी बटे आर, आई इक्वल टू वी बटे आर। अब अधिकतम धारा की बात करेगा तो यहां नॉट लग जाएगा, यहां भी नॉट लग जाएगा, आर आर यहां प्रतिरोध नहीं है क्योंकि यल और आर के कारण जो भी रुकावट उत्पन्न होता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे आप जड़े से व्यक्त करते हैं। अर्थात पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का उपयोग करने वाले हैं। फिर धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये तो हम जानते ही हैं, आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू, ये लगा लेंगे। फिर आगे कर रहा वोल्टता तथा धारा में कलांतर, वो फाई इक्वल टू टेन इनवर्स करके हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वहां सब निकाल लेंगे, उसकी टेंशन तो जरा सा भी नहीं लेना। सबसे पहले तो अर्थात मुझे प्रतिबाधा की जरूरत पड़ने वाली है, प्रतिबाधा के लिए हम लोग ये लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले जो जो चीजें हमको डेटा है उपलब्ध है वो चीजें हम लिखते हैं। सबसे पहले आपको अगर वहां पर देख पा रहे होंगे तो वोल्टेज दिया गया V इक्वल टू 400 sin 300 t दिया है, तो ये जो समीकरण है इसको हम इस वाले समीकरण से हम तुलना कर देते हैं भैया, साइन ओमेगा टी से कंपेयरिंग करेंगे, और जब कंपेयर करोगे तो कमाल की चीजें मिलेंगी, अर्थात वोल्टेज की अधिकतम वैल्यू यहाँ कितना मिल जाएगा 400, कितना मिल जाएगा 400 वोल्टेज मिलेगा, और उसके बाद आगे ओमेगा के स्थान पे 300 है, क्या गजब की चीज है, ओमेगा के स्थान पे 300। मात्रक लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं, रेडियन प्रति सेकंड हम लगा सकते हैं, तो दो चीजें तो हमको इस समीकरण से मिल गया। फिर उसके बाद हमारे पास L, L मतलब प्रेरकत्व तो दिया गया है, L की वैल्यू दी गई है 0.1 हेनरी, और प्रतिरोध R की वैल्यू है 40 ओम। क्या इतनी बातें आपसे क्लियर हो रही होंगी? उम्मीद है आपको कहीं भी समस्या नहीं हो रही होगी। परिपथ में प्रवाहित अधिकतम धारा, तो फर्स्ट चीज के लिए मुझे प्रतिबाधा की जरूरत होगी, तो पहले तो निकालते हैं परिपथ में या परिपथ का प्रतिबाधा, तो परिपथ का जो प्रतिबाधा होता है वो जेड होता है, जेड इक्वल टू फार्मूला मैंने ऊपर रखा है एक्सएल का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। आर की तो वैल्यू दी गई है परंतु एक्सएल की वैल्यू नहीं दी गई है, तो जरा सा भी हम दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम जानते हैं जो एक्सएल होता है ना वो एक्सएल ओमेगा एल के बराबर होता है, तो क्या हम यहाँ ओमेगा एल रख सकते हैं? बिल्कुल रखा जा सकता है, प्लस कैपिटल आर का वर्क कर देंगे भाई। ओमेगा एल,
ओमेगा की वैल्यू तो 300 है ना, और एल की वैल्यू 0.1 है, तो 0.1 का गुणा कर देते हैं, ये होल स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू 40 है, इसका वर्क कर दीजिए। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप हल कर देते हैं। ये देखिए पॉइंट आप काटेंगे तो ये 10 लग जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 30 एकन्नम 30 अर्थात 30 का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30 का वर्ग और प्लस ये आ जाएगा 40 का वर्ग। इसको हल करते हैं तो 30 का वर्ग करेंगे तो 900, 40 का वर्ग करेंगे 1600, 1600 9 2500 कितने आ जाएंगे 2500, जिसका आप वर्गमूल निकाल दोगे 50, अर्थात प्रतिबाधा आ गया 50 ओम, क्या आ गया 50 ओम। अब आपको जब प्रतिबाधा प्राप्त हो गया तो आपको क्या पूछा, परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान। तो सबसे पहले हम परिपथ में प्रवाहित अधिकतम धारा आई नॉट से व्यक्त करते हैं, जो कि होता है वी नॉट बटे जेड। ये कहां से लिया जा रहा, क्योंकि हम जानते हैं उनके नियम से आई इक्वल टू वी बटे आर होता है, आर के स्थान पर यहाँ प्रतिबाधा जेड को उपयोग करेंगे। तो V0 की वैल्यू आपके पास है 400 है, और जेड की वैल्यू आपने 50 निकाला, जीरो से जीरो की विदाई 5 8 40, मतलब आई नॉट की वैल्यू आई 8 एम्पियर, कितना आया भैया 8 एम्पियर आ गया। फिर हम बात करते हैं अगर इसके सेकेंड नंबर का, सेकेंड नंबर आपसे पूछा है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसे हम आई आर एम एस से व्यक्त करते हैं, जो कि होता है आई नॉट बटे अंडर रूट 2। चलिए आई नॉट की वैल्यू हम रखते हैं, तो आई नॉट की वैल्यू तो आपने 8 प्राप्त किया है बटे अंडर रूट 2, परमेयीकरण कर देंगे तो अंडर रूट 2 से गुणा और अंडर रूट 2 से भाग हो जाएगा। देखिए अंडर रूट 2 का गुणा कर दिया, अंडर रूट 2 से भाग किए, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 8 अंडर रूट 2 आ जाएगा, और कर्णी 2 और कर्णी 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 चौके 8, तो आंसर आ गया 4 कर्णी में 2। तो ये आगे सेकेंड पोर्शन का, आपका लास्ट में पूछा है थर्ड पोर्शन। देखिए यहाँ फर्स्ट पोर्शन हमने फर्स्ट भाग यहाँ पहल किया, यदि आपको समस्या आ रही होगी कि सर इधर उधर बता रहे हैं, नहीं भाई इधर उधर नहीं बता रहे हैं, थोड़ी सी ये आ गई ठीक। तो बात करते हैं इसके थर्ड पोर्शन की, थर्ड पोर्शन क्या है, धारा और वोल्टता। देखिए वोल्टता तथा धारा में कलांतर, तो वोल्टता तथा धारा में कलांतर के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। अब क्या है वोल्टता, तो भैया कलांतर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एक्सेल बटे आर, क्या होता है एक्सेल बटे आर। अब यहां पर एक्सेल की वैल्यू तो आपने निकाला है, यहां देखिए यहां पर निकाले थे, या तो देखिए ये देखिए एक्सेल की वैल्यू, या तो आपको एक्सेल नहीं पता है तो पलट दीजिए एक्सेल को, हम निकाल रख देते हैं ओमेगा एल बटे आर। अब ओमेगा एल की वैल्यू तो हम रख ही सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 400 है, और एल एल की वैल्यू कितनी, सॉरी ओमेगा की वैल्यू 300 है, कितना है 300 है, और एल एल की वैल्यू आपको यहां दी गई देखिए 0.1, पॉइंट काटेंगे तो बटे 10 लग जाएंगे, और आर कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास कितना है भैया 40 है, ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा तो 30 बटे 40 बचेगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, तो आप भाग देंगे तो लगभग भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे तो 4 सते 28 7 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा 7 और 5, तो 0.75, ये tan phi की वैल्यू आई है, फाई चाहिए तो tan इधर चला आएगा तो इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा 0.75, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी कलांतर की। इस प्रकार यहाँ पर आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये थर्ड पोर्शन का हल आंसर था, ये सेकंड पोर्शन का था, ये फर्स्ट पोर्शन का आपका आंसर था। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो प्यारे बच्चों, मैं व्हाइट बोर्ड के सामने से हट जा रहा हूँ। बच्चों हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 का, जो कि आपका 2011 में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2011 के एग्जाम में पूछा गया था। तो हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 का, यदि आप एग्जाम में बैठे होते 2011 के दौरान तो क्या आप इस सवाल को लगा सकते हैं, ये उम्मीद कीजिए कि ये सवाल हमको ही मिल जाए, क्या हम लगा सकते हैं, तो आप इसी समय वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को लगाना स्टार्ट कीजिए। क्या दिया गया, चलिए हम आप लोगों के साथ हल करते हैं, मदद करते हैं। 0.2 हेनरी प्रेरकत्व, अर्थात प्रेरकत्व तो एल के लिए लगाया जाता है ना, तो अर्थात एल की वैल्यू दी गई है 0.2 ही नहीं, जो दिया गया वो लिखिए, आपको सवाल आसान हो जाएगा। तथा 100 ओम का प्रतिरोध, ए भैया प्रतिरोध के लिए तो आर लगाते हैं ना,
तो 100 ओम प्रतिरोध अर्थात कैपिटल आर की वैल्यू आपको दी है 100 ओम। आगे हम बात करें श्रेणी संयोजन में जुड़े हुए हैं अर्थात इस प्रकार जुड़े होंगे। आगे कह रहा वोल्टता, कितनी वोल्टता लगाई गई है इस बार, तो ये वो था इस बार ये है। वोल्टता कितनी लगाई गई है, लगाई गई है 6 sin 500 ओमेगा t, अर्थात वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, वोल्टेज की वैल्यू दी गई है 6 sin 500 ओमेगा t, यही है ना। चलिए ओमेगा नहीं है वहां पर, केवल टी है, चलिए अच्छी बात है। अब हम करते क्या है, ये चीजें आपको दी गई है। आगे का रहा धारा तथा लगाई गई वोल्टता में कलांतर, प्रतिबाधा और औसत शक्ति, तीन क्वेश्चन पूछा। मतलब फर्स्ट भाग में आपको कलांतर ज्ञात करना है और सेकेंड भाग में प्रतिबाधा अर्थात जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है, अच्छी बात है। और थर्ड पोर्शन में आपको औसत शक्ति मतलब पी एवरेज की वैल्यू ज्ञात करनी है। तीन तीनों क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर सकते हैं, परंतु सबसे पहले ये जो वोल्टेज की जो समीकरण है ना, इसको व्यापक रूप से तुलना करते हैं, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर। क्या करने पर भैया, तुलना करने पर। जैसे ही तुलना करोगे ना, तो वी नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितनी मिलेगी 6, कितना मिलेगा 6 वोल्ट, और ओमेगा की वैल्यू तो आराम से हम पा जाएंगे 500, कितना मिल जाएगा 500 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक, तो आइए अब हम सबसे पहले कालांतर को ज्ञात करते हैं। कालांतर की वैल्यू फार्मूला होता है टेन फाई इक्वल टू एक्सएल बटे आर। अब बताइए एक्सएल की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली पता नहीं है, परंतु हम एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल भी रख सकते हैं, तो ओमेगा एल बटे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब ओमेगा की वैल्यू तो है 500 और कैपिटल एल, एल की वैल्यू तो हमारे पास दिया है ना, यहाँ देखिए 0.2 है, तो 0.2 पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10 आ जाएगा। और कैपिटल आर, आर की वैल्यू आपको 100 ओम दिया है। चलिए इस पॉइंट 10, 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आपके पास आएगा 50 दूनी 100, 100 बटे 100, देख पा रहे होंगे 50 दूनी 100 ये कट जा रहा है, तो आपको मिला tan φ = 1। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किसकी वैल्यू होती है, लगभग आपको पता होना चाहिए, सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि tan 45° की वैल्यू 1 होती है। तो हम यहाँ tan φ = tan 45 रख सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल होगा तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 45, अर्थात कितना कालांतर है भैया, 45° की कालांतर है। अब आगे पूछ रहा है सेकेंड पोर्शन में प्रतिबाधा अर्थात जेड की वैल्यू पूछा है। आइए सेकेंड पोर्शन की बात करते हैं। प्रतिबाधा जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट में एक्सएल का स्क्वायर, क्या एक्सएल का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का वर्ग। अब एक्सएल की वैल्यू तो ओमेगा एल होता है इसका प्लस आर का स्क्वायर हो गया। चलिए ओमेगा एल की वैल्यू तो हमको पता ही होगा, ओमेगा की एल की वैल्यू अभी आपने निकाला था, देखिए यहाँ पर हल किए थे 100 आया था, तो डायरेक्टली अगर हम 100 का वर्ग कर दें प्लस आर, आर की वैल्यू आपको भी दी गई है 100, तो चलिए 100 का वर्ग करते हैं। तो भैया 100 का जब आप इनका वर्क करोगे, तो ये थोड़ा सा स्टेप हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो 100 का वर्क करोगे तो 10,000 आ जाएंगे, और उसका भी 10,000, अगर हम इनको जोड़ दिया जाए तो 10,000 10,000 जोड़ेंगे तो शायद 20,000 आ जाएगा। अब आप इनका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो लगभग इनका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा आपको पता होना चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक का तो आपको पता होगा, जैसे मैंने कहा कि भाई देखो, तो इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 100√2 ओम आएगा, ये जेड की वैल्यू प्राप्त कर लिए आप, जेड की वैल्यू आ गई 100√2 ओम। अब आपसे पूछा है औसत शक्ति, आइए ये थर्ड पोर्शन हम लोग यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं औसत शक्ति। तो औसत शक्ति के लिए मैंने फार्मूला बता के रखा है, पी एवरेज इक्वल टू होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई।
तो वी आर एम एस की वैल्यू तो आपको नहीं पता है, ना तो आई आर एम एस की वैल्यू पता, बिल्कुल नहीं पता। हम हड़बड़ाएंगे जरा सा भी नहीं, उसको तो हम आराम से निकाल लेंगे भैया। वी आर एम एस इक्वल टू होता है वी नॉट बटे अंडर रूट टू। अब देखिए वी नॉट की वैल्यू यहां पर आपको है 6 है, और अंडर रूट 2 रख देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आई आर एम एस, आई आर एम एस की वैल्यू होती है आई नॉट बटे अंडर रूट टू। अब आई नॉट की भी वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए ना, क्या आपको नहीं पता आई नॉट की वैल्यू? नहीं पता तो हम आराम से निकाल लेंगे, आई नॉट की वैल्यू हो जाएगा वी नॉट बटे जेड, और बटे क्या है कर्ली टू। चलिए वी नॉट की वैल्यू तो जानते होंगे, वी नॉट की वैल्यू 6 है, और ये जेड, जेड अपना प्रतिबाधा, अपना नहीं इस परिपथ का प्रतिबाधा होता है भाई, जो कि है 100 कर्ली में टू, 100 कर्ली में टू मल्टीप्लाई, क्योंकि आप इनको ऊपर की तरफ लेके जाओगे मल्टीप्लाई अंडर रूट टू हो जाएगा। क्या कहीं दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब भाई 6 कर्णी टू का कर्णी टू में गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 100 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 6, तो आ गए आपके 3/100। कितना? 3/100। थोड़ी सी यहां पर आपको समझना होगा, यहां पर ये आई आर एम एस की वैल्यू आ गई, तो चलिए हम वहां पर रखते हैं आसानी से। वी आर एम एस की वैल्यू हमारे पास है 6 × 2, और आई आर एम एस की वैल्यू है 3/100, और भैया कास फाई फाई की वैल्यू तो 45 अंश अभी आपने निकाला था, और कास 45 अंश का मान आपको पता होना चाहिए, इतना तो पता ही होना चाहिए। कास 45 अंश का मान होता है जो साइन 45 का होता है। अब साइन 45 का मान होता है 1/2 होता है, तो कास 45 की भी वैल्यू वही हो जाएगी 1/2। अब आप देखिए इनका इनका गुणा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा ना, तो 2 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 200, मतलब मिला जुला के 3/200 आ जाएगा। अब आप उनमें भाग दे दीजिए, तो भाग देने के बाद आपको आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। यदि आप भाग देंगे तो लगभग देख लेते हैं भाग देने के बाद कितना आने वाला है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, आपसे थोड़ी सी यहां मिसप्रिंट हुआ है, यहां पर 6 है, ठीक, आप ऊपर 1 लिखे थे, हाँ हम लोग भूल गए 6 लिखना, तो अब 6 × 3 = 18, तो ये 18/200 हो जाएंगे। अब जब आप इन्हें भाग देंगे ना तो 0.09 और वाट, ठीक, तो इस प्रकार आपका जो थर्ड पोर्शन था वो भी कंप्लीट होता है। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा कि हमने फर्स्ट कहाँ लगाया, सेकंड कहाँ लगाया। फर्स्ट भाग मैंने यहाँ पर हल किया, सेकंड भाग आपको मैंने यहाँ पर हल करके दिखाया, और थर्ड पोर्शन जब हल करने लगे तो वी आर एम एस और आई आर एम एस की जरूरत पड़ी तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। इस प्रकार आपका थर्ड पोर्शन भी यहाँ कंप्लीट होता है। तो 8 और 9 नंबर ये रहे आपके, और जो कि दोनों सवाल यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट दा वी इक्वल टू 200 sin 300 t दिया गया है, और परिपथ में प्रतिरोध जो है 40 ओम है, तथा प्रेरकत्व 0.1 हेनरी है, वो भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ का में औसत शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। तो आपको ये देख पा रहे होंगे कि ये R दिया है, ये L दिया है, और वो समीकरण दिया गया है, तो L और R देने से आप समझ सकते हैं कि ये LR परिपथ पर सवाल आधारित है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 लगाया कैसे जाएगा, तो चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 में। सबसे पहले आपको जो समीकरण दिया गया है वी इक्वल टू 200 sin फिर 300 t दिया गया है, का तुलना करते हैं, किससे तुलना करेंगे, इसके व्यापक समीकरण से, तो इससे तुलना कर देते हैं। जैसे ही आप तुलना करोगे तो यहां वी नॉट के स्थान पे 200 की वैल्यू मिल जाएगी, अर्थात वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 200 वोल्ट। और साथ में अच्छी बातें और क्या आपको प्राप्त हो सकती है कि यहाँ देखिए ओमेगा, ओमेगा के स्थान पे 300 है, देख रहे हैं ना, तो ओमेगा के स्थान पे 300 मिल जाएगा। चलिए अब ये टी और टी तो नहीं रहेंगे क्योंकि टी टी दोनों में है, तो ओमेगा की वैल्यू 300 मिल चुका है। अब आगे क्या दे रहा है,
कि परिपथ में प्रतिरोध जो है वो 40 ओम है, अर्थात कैपिटल आर की वैल्यू जो है वो 40 ओम है, और प्रेरकत्व एल की वैल्यू जो है 0.1 हेनरी है। कितनी है? 0.1 हेनरी है। तो परिपथ में औसत शक्ति अर्थात पी एवरेज ज्ञात करना है। तो हमारे ध्यान में ये आना चाहिए कि पी एवरेज का फार्मूला तो हमारे पास होता है, पी एवरेज इक्वल टू होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये फार्मूला होता है। तो हमको वी आर एम एस की जरूरत पड़ेगी, आर एम एस की जरूरत पड़ेगी। तो आइए वी आर एम एस और आई आर एम एस दोनों निकाल लेते हैं, फिर आगे आगे की तरफ पी एवरेज को ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों, तो बात करते हैं कि वी आर एम एस और आई आर एम एस निकलेंगे कैसे। तो आई वी आर एम एस तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको वी नॉट की वैल्यू पता है, परंतु यहाँ आई नॉट की वैल्यू नहीं पता है, और आई नॉट ज्ञात करने के लिए हमें प्रतिबाधा की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम प्रतिबाधा को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रतिबाधा जेड इक्वल टू होता है जब कौन सा परिपथ हो, एल आर परिपथ हो, तो उस समय प्रतिबाधा होता है एक्सएल का स्क्वायर प्लस होता है आर का स्क्वायर। अब एक्सएल तो आपको नहीं पता है, तो एक्सेल नहीं पता तो हम एक्सेल के स्थान पे ओमेगा एल रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ओमेगा एल की वैल्यू रख लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? देखिए ओमेगा की वैल्यू 300 है, और गुणे एल, एल की वैल्यू वही 0.1 है। यहां से पॉइंट काट के बटे 10 लगा दिए, इनका स्क्वायर कर लिए, प्लस कैपिटल आर, आर की वैल्यू तो आपके पास 40 है, ये 40 का वर्ग कर लिया। अब ये 0 से 0 काट दीजिए, 30 का गुना 1 से कर दीजिए, तो 30 आ जाएंगे का होल स्क्वायर, ये 40 का होल स्क्वायर। 30 का वर्ग कर देंगे तो भैया 900 आएंगे, और 40 का वर्ग कर देंगे तो 1600 आएगा। 16 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2500। और इसका जब आप स्क्वायर रूट यानी इसको बाहर ले आएंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो ये जो जेड की वैल्यू आई है ये 50 ओम आया है। कितना आया है? 50 ओम। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी? यदि आपको पी जेड की वैल्यू मिल गई तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वी आर एम एस ज्ञात करते हैं। तो वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है? वी नॉट बटे अंडर रूट टू, और वी नॉट की वैल्यू आपके पास है 200/√2 हो गए। ठीक, अब हमको आई आर एम एस की जरूरत पड़ेगी। तो आई आर एम एस निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको आई नॉट की वैल्यू पता होना चाहिए। चलिए आई नॉट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? आई नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट बटे आर, आर के स्थान पे यहाँ जेड होगा क्योंकि प्रतिबाधा है, इसलिए ये आर कभी मत रखिएगा आप यहाँ पर। तो अगर हमको आई नॉट की जरूरत पड़ेगी तो आई नॉट इक्वल टू होता वी नॉट बटे जेड। वी नॉट की वैल्यू कितनी है? 200 है, और जेड की वैल्यू कितनी है? 50। कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएंगे, अर्थात आई नॉट की वैल्यू 4 आई है। चलिए ये 4 रख दिए और यहाँ पर अंडर रूट 2 रख दिए। अब हम बात करेंगे पी एवरेज की, बात करते हैं क्या हमको ज्ञात करना था पी एवरेज। तो पी एवरेज इक्वल टू होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई अर्थात का यहाँ पर आपको कलांतर की जरूरत पड़ती है। अब हम करते क्या है थोड़ा सा, अब आपके पास यहाँ पर फाई की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम फाई को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला और होता है। हम जानते हैं कि जो यहाँ कलांतर कॉस फाई होता है, कॉस फाई बराबर होता है आर बटे जेड, आर बटे जेड। गाइस अभी हमने इस फार्मूले की चर्चा नहीं किया है, पर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी पर रहने वाली है, तो इसके लिए हमको थोड़ी सी खेद है कि हमने इस टॉपिक का चर्चा नहीं किया है। न्यूमेरिकल के दौरान कहीं पर पूछ ले रहा, आप उसके लिए जरा सा भी टेंशन ना लीजिए। जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे जो कि कॉस फाई इक्वल टू आर अपान जेड कैसे रख दिया जा रहा है। अब देखिए वी आर एम एस की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है? वी नॉट बटे अंडर रूट
टू, और वी नॉट की वैल्यू तो हमने वहां रखा है ना, देखिए कितना है यहाँ 200 कड़ी में दो, और इंटू आई आर एम एस की वैल्यू 4 कड़ी में दो, इंटू कॉस फाई, तो कॉस फाई के स्थान पे अब हम क्या रखने वाले हैं, आर बटे जेड, आर बटे जेड। चलिए ये आ गए 200 कड़ी में दो मल्टीप्लाई 4 बटे कड़ी में दो मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू कितनी है 40 है, और जेड की वैल्यू आपने यहाँ पर देखा भी निकाले थे 50 था। चलिए कैंसिल करते हैं, 50 चौके 200 कैंसिल हो गए। अब हम जानते हैं ये अंडर रूट दो का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये इनको कैंसिल करेगा केवल किसी एक को, चाहे जिसको आप कैंसिल कर लीजिएगा। तो चलिए 4 चौके 16 गुने ऊपर 40 बचा है, इनका इनका गुणा करेंगे 2, और इनसे काट देंगे तो 2 8 16, अब गुणा कर देते हैं तो 320 वाट आएगा। पी एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, 320 वाट आएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब आपका यहाँ पर मिल जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करेंगे प्यारे बच्चों, वो भी क्वेश्चन आपका किसी न किसी सत्र में पूछा गया है, यदि आपको ये जानना है किस सत्र में पूछा गया तो हम आपको बता सकते हैं। जो अभी आपने ये सवाल हल किया प्यारे बच्चों, ये 2012 में पूछा गया था, और अब जो आप सॉल्व करने जाने वाले हैं वो 2019 और 14 में पूछा है, 19 और 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, वो भी 2 नंबर का। तो चलिए हम आसानी से उनको भी ज्ञात ही कर लेते हैं। इस बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 का, और जो कि 2019 और 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब वो क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 0.21 हेनरी, अर्थात ये आपको एल दिया गया है, किसी भी कुंडली का जो प्रेरकत्व होता है वो आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम एल लिखते हैं, एल इक्वल टू है 0.21 हेनरी दी गई है। आगे कह रहा है का प्रेरक तथा 12 ओम का प्रतिरोध, मतलब जो ये 12 ओम का प्रतिरोध है ये कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है, कैपिटल आर इक्वल टू आपको दिया गया है 12 ओम दिया गया है। आगे हम बात करें प्रतिरोध 220 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज, ये जो 220 वोल्ट दिए गए हैं ये आपको V की वैल्यू दी गई है, वहां पर अधिकतम की तो बात नहीं किया है, आप देख सकते हैं एक बार इस क्वेश्चन को मिला लिए जाते हैं, क्या अधिकतम की चर्चा की है, नहीं अधिकतम का चर्चा यहाँ पर नहीं किया गया है, इसलिए हमारे पास ये V नॉट की वैल्यू नहीं है, ये हमारा क्या है V है। तो V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं एवं 50 हर्ट्ज आवृत्ति के, अर्थात फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, कोई दिक्कत नहीं, 50 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है, तो परिपथ में धारा का मान, अर्थात आपको सबसे पहले I ज्ञात करनी है, फिर धारा और विभवांतर में कलांतर अर्थात फाई की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, एकदम मजे लेकर सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर ये आप देखिए आई है, तो आई ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला होता है, आई इक्वल टू होता है वी बटे जेड, भाई वी की तो वैल्यू पता है परंतु जेड हमको यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, तो हम जेड ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जेड ज्ञात करते हैं, तो हम निकालते हैं परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा। तो चलिए प्यारे बच्चों परिपथ की हम प्रतिबाधा ज्ञात ही कर लेते हैं, तो जेड इक्वल टू होता है कौन सा लगा, एल लगा है, एल के लिए हो जाएगा एक्सएल का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर एक्सएल बराबर, इतनी देर तक हम लोग ओमेगा इंटू एल रखते थे, एल तो आपके पास है परंतु ओमेगा की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, तो हम एक चीज और जानते हैं कि एक्सेल को हमने पढ़ा है ओमेगा एल तो रखते हैं परंतु ओमेगा को 2πf रखते हैं, और ये एल अपने स्थान पर रहेगा, तो हम क्या ये डायरेक्टली रख सकते हैं एक्सेल के स्थान पे 2πf एल रख दिए का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का वर्ग हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा,
पाई का वर्ग करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, यफ का वर्ग करेंगे तो यफ का वर्ग और ये साथ में एल का वर्ग प्लस आर का स्क्वायर। अब केवल डिजिट रखनी है, सबकी वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं है। ये चार हो गए, पाई की वैल्यू 3.14 होता ही है, ये गुना कर दीजिए। एफ एफ की वैल्यू आपके पास है 50 का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल एल, कैपिटल एल की भी वैल्यू है 0.21 का होल स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर, आर की भी वैल्यू आपके पास है 12 का होल स्क्वायर। फिर बच्चों इन सबको वर्ग करेंगे, वर्ग करके हल करेंगे। हल करने के बाद जो आपको मिलने वाला है वो हम लोगों ने उससे पहले ही हल करके रखा है कि इनकी जो वैल्यू आपको मिलेगी ना वो मिल जाएगी, टोटली आपको इनको वैल्यू मिलेगी 67.02। अर्थात आप इनको हल करोगे अंडर वर्गमूल निकालोगे तो लगभग 67.02 वो मिलने वाला है, ये जेड की वैल्यू है। अब जब आप जेड ज्ञात ही कर लिए तो अब आपसे इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा है आई परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर परिपथ में धारा I इक्वल टू होता है V बटे जेड। अब V की वैल्यू आपके पास तो है ना 220 और जेड की वैल्यू आपने निकाला है 67.02। गाइस हम इनको डिवाइड करते हैं, 220 डिवाइडेड 67.02 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लगभग लगभग आएगा 3.28 एम्पियर। कितना आएगा? 3.28 एम्पियर। इस प्रकार आप आई को कैलकुलेट कर लेंगे जो आपसे फर्स्ट पोर्शन में पूछ रहा था। अब यहीं पर सेकंड पोर्शन में आपसे पूछा है, क्या पूछा है? कालांतर। क्या पूछा है? कालांतर ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा, तो कालांतर के लिए हम व्यंजक लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कालांतर के लिए फार्मूला था टेन फाई इक्वल टू क्या था? एक्सेल बटे आर, एक्सेल बटे आर। अब एक्सेल की वैल्यू हम जानते हैं 2 पाई एफ, अभी हमने रखा था एल बटे आर। चलिए सबकी वैल्यू रख लेते हैं, 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू 50 और एल की वैल्यू 0.21 बटे कैपिटल आर। तो कैपिटल आर को लिखने से पहले थोड़ा सा इसमें स्पेस देते हैं, हल करने में हम लोगों को आसान रहेगा। कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास 12 है। चलिए इस पॉइंट को कटाएंगे तो अपॉन 100 लिख देंगे, इस पॉइंट को कटाएंगे अपॉन 100 लिख देंगे। चलिए हम काटते हैं 50 इक्की 50, 50 दूनी 100, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भैया। अब आपके पास देखिए वहां 21 बचा है, ऊपर 314 बचा है, नीचे 12 गुणे 100 बचे हैं, तो हम लिखते हैं इनको 314 गुणे 21 और यहाँ 12 गुणे 100। क्या कुछ ऐसा चीज पॉसिबल है जो कि कट जाए? बिल्कुल कटेगा, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, ये सब आपको आसान कर देंगे। अब यहां भी कटा सकते हैं, इसको भी कटाया जाए तो 4 सत्ते 28, ठीक बचा यहाँ 3, फिलहाल 2 से कटाइए तो देखिए कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, या तो नहीं कट रहे हैं तो आप गुना करके भाग कर दीजिए, जाने दीजिए। यार बच्चों जब आप इनको गुना करके भाग करेंगे तो आपका लगभग लगभग 5.5 आने वाला है। चलिए देख लेते हैं भाग करने के बाद क्या मिलेगा। तो 314 गुणे 7 करना है ना, तो जब 7 करेंगे तो 2198 आएगा, 2198 डिवाइड 400। चलिए तो भागे कर दे या जाए 400, तो 5.495 आ रहा, 5.4 इनको भाग देने पे, तो ये टेन फाई की वैल्यू आई 5.4। किसकी वैल्यू आई प्यारे बच्चों? टेन फाई की वैल्यू आई 5.4। अब टेन को इधर करेंगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स 5.4। ये रहा आपका जो कालांतर, ये रहा आपके प्रश्नों का जो है कालांतर। प्यारे बच्चों आप यहां से और यहां से इन दोनों सवालों को नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, जो कि प्रश्न नंबर आपका क्या है यहाँ पर 12वां नंबर है। ये आपसे क्या कह रहा है?
ये 2011 में या 2012 में ऐसा करके पूछा गया है। चलिए, तो क्या करा, 20 वोल्ट 50 वाट के लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत से जलाना है। अर्थात कोई बल्ब है जिसका जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है, उसकी जो पावर है वो 50 वाट है। तो सबसे पहले उनकी जो पावर है वो लिख देते हैं। पावर कितना दिया गया है, 5 वाट है। कितना है, 5 वाट है। और साथ में जो वोल्टेज दिया गया है वो V इक्वल टू 20 वोल्ट है। ठीक भैया, आगे क्या कर रहा है कि लैंपो को 200 वोल्ट, अर्थात अगला जो विभव है, जो जो प्रत्यावर्ती स्रोत का वोल्टेज है, वो V डैश इक्वल टू कितना है, 200 वोल्ट। कितना है, 200 वोल्ट है। और उसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। कितना है, 50 हर्ट्ज है। करा प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत से जलाना है। इसके लिए प्रेरकत्व को, अर्थात जो एक्सेल है, वो श्रेणी क्रम में जोड़नी होगी। तो उस प्रेरकत्व की वैल्यू बतानी, एक्सेल की वैल्यू बतानी है। तो आइए हम देखते हैं कितने जो प्रेरकत्व हमको जोड़ना होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो भैया इसमें ज्ञात क्या करना है प्यारे बच्चों, एक्सेल को ज्ञात करना है। तो एक्सेल को हमारे पास ज्ञात करने का एक ही तरीका है, एक्सेल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा एल बराबर होता है 2 पाई FL। तो ऐसे करके हम वहां पर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसके लिए एक्सेल की वैल्यू पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़नी होगी। अर्थात यहाँ एक्सेल नहीं बल्कि आपके पास क्या ज्ञात करने के लिए पूछा प्यारे बच्चों, एल की वैल्यू पूछा है। यानी जो आप प्रेरकत्व जोड़ोगे ना, जो प्रेरकत्व जोड़ोगे उसकी वैल्यू कितनी है, वो उसकी कितनी प्रेरकत्व होना चाहिए वो आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम इनको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, इनसे क्या ज्ञात करते हैं, हमको दिया गया है पी। क्या दिया गया है, पी दिया गया है। यहां से हम कैपिटल आर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पी और आर में एक रिलेशन आता है। तो हम लिखेंगे लैंप का प्रतिरोध, यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं लैंप के कारण परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध। क्या प्यारे बच्चों, लैंप के कारण परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध की बात किया जाए तो जो प्रतिरोध होगा वो आर, प्रतिरोध आर इक्वल टू होगा क्या होगा, अब कैसे आ रहा है आप यहां से ध्यान देखिएगा, पी इक्वल टू वी इंटू आई होता है। आई मुझे नहीं पता है तो आई के स्थान पे वी बटे आर रखेंगे तो वी स्क्वायर बटे आर होगा ना, तो यही, तो वी स्क्वायर बटे पी। अब वी की वैल्यू यहां पर दी गई है, देखिए 20 × 20 है और पी, पी की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 × 20, 20 × 80, तो 80 ओम आ जाएगा प्रतिरोध, आर आ जाएगा। अब अगर हम यही बात कर ले लैंप में प्रवाहित होने वाली धारा, यदि हम इसी यहीं पर चर्चा कर ले लैंप में प्रवाहित धारा, लैंप में प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा के लिए फार्मूला होता है आई इक्वल टू वी बटे आर, आई इक्वल टू वी बटे आर। अब आप बताइए वी की वैल्यू तो आपको दी गई है ना, 5 है। कितना, 5 नहीं, वी की वैल्यू 20 है। कितना, 20 है। और आर की वैल्यू आपके पास 80 है। 0 से 0, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, मतलब इसको 1/4 आप इसे हल करेंगे तो 0.25 एम्पियर आएगा। ये हम बात करते हैं अब परिपथ में प्रतिबाधा की, किसकी चर्चा करते हैं, परिपथ में प्रतिबाधा। तो परिपथ में प्रतिबाधा आप दिमाग पे जरा सा जोर डालिए कि प्रतिबाधा करता क्या, रुकावट उत्पन्न करता है ना, परिपथ में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। तो रुकावट उत्पन्न करता है तो उसके लिए हमारे पास भैया आर इक्वल टू होता था वी बटे आई। अगर हम इस फॉर्मूले की मदद लें तो आर के स्थान पे जेड है और वी के स्थान पे आपका कौन सा भी है, वी डैश है, ठीक, और उसके बाद आई, आई तो आपका वही है। चलिए अब देखिए वी डैश की वैल्यू आपके पास 200 है और आई की वैल्यू 0.25। अब आप इनको हल करेंगे तो आएगा आपका 800। कितना आएगा, 800। बात समझ आ रहा, तो ये जेड की वैल्यू आ गई, अर्थात जेड की वैल्यू आ गई 800 ओम। ये आपने जेड ज्ञात कर लिया। अब प्रतिबाधा इक्वल टू फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है हम लोग जानते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्सेल का स्क्वायर
और प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, जेड की वैल्यू कितनी है 800 का वर्ग और बराबर एक्सएल। अब देखिए यहां पर आपको एक्सएल नहीं पता है, एक्सएल यहां से ज्ञात करेंगे। कैपिटल आर की वैल्यू पता है 80, आप इनका वर्ग कर दीजिए, ये 64 है, फिर 4 जीरो हो जाएंगे बराबर। अब देखिए बराबर आ गया, एक्सेल का स्क्वायर इनका वर्ग करेंगे तो 64 डबल जीरो। ये चीज आप इधर ला दीजिए तो प्लस वाला इधर आएगा, तो भैया माइनस हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे, -64 डबल जीरो इक्वल टू एक्सेल का स्क्वायर। अब आप इनको हल कीजिएगा, इनमें से ये माइनस कीजिए, फिर उसका वर्गमूल निकालिए। चलिए माइनस कर लेते हैं, या माइनस करने के बाद इनका वर्गमूल निकालते हैं, तो भैया इनका माइनस करने के बाद आएगा 63 36 डबल जीरो। इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से लिखिएगा, 63 36 36 डबल जीरो इक्वल टू एक्सेल का स्क्वायर। अब हम एक्सेल का यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, एक्सेल इक्वल टू कितना आएगा प्यारे बच्चों, 63 36 36 डबल जीरो। अब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आएगा 795। अगर आप सोचिए 6400 पूरा रहा होता है, 64 के करीब रहा होता, तो आप 8 का कुछ लिख सकते थे, 800 या 8000। तो ये 63 36 डबल जीरो है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 795.96 लगभग आएगा, ये एक्सेल की वैल्यू आई। अब आपको एक्सेल नहीं ज्ञात करना, आपको एल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, एल। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, एक्सेल इक्वल टू होता है 2πfL। यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं एक्सेल की वैल्यू कितनी आती आई है आपकी 795.96। ये 2π की वैल्यू 3.14, f की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 50 है, गुणे l। अब l को इधर छोड़ दीजिए, बाकी को जो गुणा वाले हैं इधर ला दीजिए, सब भाग में आ जाएंगे। तो 795.96 ये चीज सब भाग में आ जाएंगे, 3.14 × 50 इक्वल टू l। अब आप इनको हल करेंगे बच्चों, देखिए ये पॉइंट से तो पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, गुणा भाग करना है, गुणा भाग करने के बाद आपका 2.54 लगभग आएगा, अर्थात एल की वैल्यू आपको प्राप्त होगी 2.54 हेनरी। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों, और इसी सवाल के साथ आज की लेक्चर हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। आई होप कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा था उन टॉपिक पर आधारित जितने न्यूमेरिकल थे वो न्यूमेरिकल आपको जरूर समझ में आया होगा, और उम्मीद करते होंगे कि यूपी बोर्ड में अब आने वाले यूपी बोर्ड में जो भी इस बेस का न्यूमेरिकल आएगा आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कुछ सवाल प्यारे बच्चों आप अपने आप से अभ्यास कीजिएगा, जो सवाल यहाँ बताए गए हैं इतने सवाल आपके लिए काफी नहीं होने वाला है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों, और अपने आप से किए गए, अपने माता पिता से किए गए वादे को मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।